चमेली अभी बात क्या है महाराज? उनका लागत है हर महाराज पूछो नहीं कैसी चाल? तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो कैसा धोखा महाराज? और कीड़ा साथ में और कीड़ा साथ में जब भर्ती करो। तो अन्न का मुखी नहीं ना।
अरे बाबा काटा है महाराज है कुछाम लड़ाई खबरिया फोट आई कहाँ ये खुशवालों लड़ाव जाता मरवाते चमेली महाराज वो कौन है जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा नाच करते हैं जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा नाच करते हैं अपना दाहिना अंग समझते हैं उसे आज इसी ने तेरे साथ तेरे बिस्तर पे आकर के तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया लेकिन वो कौन है बर्बाद हो गई महाराज वो बर्बाद देखिए यहाँ बिलाओ चीटा है इस तलवार को पहचानिए कि किसकी तलवार है ये सेना का नायक सेना प्रभारी प्रताप सिंह रियासत खैरागढ़ ये तलवार तो रणवीर प्रताप सिंह की है महाराज ये तलवार सेनापति रणवीर प्रताप सिंह की है और खुलकर बताना पड़ेगा ऐसा है अरे उसने यह तलवार विश्वास करना धोखा इस तलवार पर विश्वास नहीं करता मेरे बताने से आपको हो सकता है चमेली हो सकता है कोई तुम्हारे कमरे में रख गया हो ऐसा भी हो सकता है मेरे बताने से विश्वास नहीं है जी नहीं साबुत दिखा दिया तो उस पर भी विश्वास नहीं है और कोई जीते जागते दोनों खड़े हैं इनसे पूछो पहले उसने मेरे साथ क्या क्या किया है पूछो इनसे बताओ कोई और सबूत दिखाऊंगा मैं यहीं पर फांसी दिलवा दूंगा हमसे वही झूठा बुआ बोली तो हमारे सामने पे आंधी हो जाए अरे उसका मेले ने क्या क्या नहीं किया है अरे महाराज पटकीस पटक चीटाइस साड़ी अब बहुत सफाई छड़ावा हमारा तो तीन जूता मारिस महाराज मैं सबूत अभी आपको और दिखाती हूँ देखिए ये नौकर है हम सफाई झूठा बोल सकी थी हाँ झूठ बोल सकते हो अरे महाराज विश्वास ये पिस्तौल विश्वास नहीं तो बड़ा सर पटक के मर जा रहा है महारानी चमेली इस पिस्तौल को इसको देखिए किसकी है रणवीर प्रताप सिंह रियासत खैरागढ़ उससे पहली जैसा महारानी महारानी चमेली महाराज ये पहेलियों जैसी बात कर रही हो अभी भी नहीं विश्वास नहीं अगर आपके पास कोई सबूत हो ठीक है अगर आप इससे भी बड़ा सबूत देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अरे आ मरा रनिया अरे आ मरा रूरे अब देखिए ये मेरा आराम कक्ष है जिस पे जहाँ पे आप आते हैं तुम्हारे हाथ में क्या हुआ महाराज हो गुम्मा तक फूल ली महाराज कहाँ गई आपका विश्वास है नहीं तो जिले के गवाही दिया भैया चलो पहले रामदेव इन्हें ले जाकर के अस्पताल इनका हाथ का इलाज करो चलो तो हाथ में चट्टी बंद हुआ
महिला बनवा के महाराज कल गया तो दिमाग को दिखा दिया हाथ मोची खा नहीं मोच खाली बताओ मोच खाएगा चलो तुम्हें मोच खाए तू चलो मोच खाओ महाराज। अब आप देखिए मेरे बिस्तर पे देखिए कौन लेटा है अपने आंखों से देख लीजिए। देखो अब तो भी गिरा का चीरा मुझे नाश था आज किसी ने मेरे साथ धगा किया मेरी विश्वास हो गया हमें आपकी बात का विश्वास है। रामदेव रामदेव भैया महामंत्री बुलाया जाए बुला लो मंत्री जी आप महाराज के अलावा तो आए कहिए महाराज क्या देश है हमारे लिए। महामंत्री जी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कहिए सवाल एक है और जवाब आपको देना ठीक है। हमारे बिस्तर पर उठने का बैठने का किसका अधिकार है आपके बिस्तर पर महारानी और आपके सिवाय किसका अधिकार है और महारानी चमेली की बिस्तर पर आपका अधिकार है मेरा अधिकार है ना जी हाँ तो देखो महारानी चमेली की बिस्तर पर कौन सो रहा है कौन सो रहा है आप देखिए महामंत्री जी कौन है ये गवाहियां ही आवाजारी आज महामंत्री फरा वाला बनवा रहे ना चलो पहलो आराम करो। अरे तो तुम्हें अपने घर पर ले जाना था घर में इनका ले जाओ ठीक है देखता हूँ महाराज आपकी इज्जत को तो इसने मिट्टी में मिला दिया ये तो सेनापत सेनापत रणवीर प्रताप सिंह है जिस पर मुझे बहुत बड़ा गर्व था जी हाँ बहुत बड़ा भरोसा था हाँ महाराज आज इसी ने हमारे साथ दगा की है जी हाँ महाराज महामंत्री जी कहिए मेरा पति उठिए सुबेरा हो गया उनका बोले लाठी बो महाराजा Thank you.
कुछ कहना चाहते हैं? कहने के लिए बाकी क्या रह गया है?
नहीं पता है एक मर्द पर हम तीन चार हिजड़े काफी है। हम लोग हिजड़े हैं भारत। इसी वक्त इस कमीने को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इसी वक्त तत्काल फांसी होनी चाहिए। क्या मुझे लटका रहा था तू मुझे मौत के घाट उतारेगा? भाषा कह रहा था तू उम्र भर हाथ मल मल के पछताएगा। मर्द हो अच्छा तो एक बार मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दो। अच्छा साले पटक पटक के मारूंगा। दिन में सपना देखना बंद कर दो। चले महाराज इसे तत्काल फांसी पर चढ़ाया जाए। इसी में तुझे फांसी पर लगता हूँ। ये मर्दों का काम नहीं है। मर्द ऐसे मत ही हम मर्द नहीं है अधा मर्द है। महाराज आप जल्दी से नंबर बोलिए। जल्दी काम बंदर करते हैं। अरे यार तुम भी बन जाओ बंदर। नहीं वही जल्दबाजी करते हो। मैं कुलाल और रामदेव जब तुम्हें आदेश दिया जाएगा तब बोलोगे। बोला बिल्कुल नहीं। कीप साइलेंट। ओके महाराज। अरे देर मत करिए जल्दी से जल्दी कासन बोलिए। चमेली आसन जरा अपने दिल में सोचो। सबर खा यहाँ कौन है महाराज? इसलिए यहाँ मैं हूँ आप हैं महामंत्री जी और दो दरबारी हैं। आप सोचने की बात करते हैं यहाँ कौन है उसको देखने की बात करते हैं। बात हमारी सुनिए तो। मेरी इज्जत फिदा की इसके बेटे ने। मैं इसकी सुनवाई नहीं देखना चाहती हूँ। महारानी फांसी पर से चाहती हूँ। महारानी जी इसकी फांसी की तारीख हम कल मुकर्रर करेंगे। क्या? और इसको फांसी दी जाएगी पूरे रियासत खैरागढ़ के सामने। पूरी जनता को इकट्ठा किया जाएगा। जय भगवान आज कैंसिल। ताकि कोई दोबारा निगाह उठा करके देख न सके। ठीक है महाराज। इसलिए तब तक के लिए इसे जेल में डाल दो। ठीक है जेल ले जाओ। ले जाए महाराज। हाँ इस कमीने को खाना पीना ले जा करके जो सभी कैदियों को नहीं देना है। मेरे कमरे के पीछे वाली जो जेल है जो सब कैदियों को भोजन दिया जाता है सुनो उसे भी मिलना चाहिए। मेरे रूम के पीछे जो जेल बनी है उसी में डालना। इस कमरे को उसे नंबर दे मरा है। महाराज से कैदियों आराम से बोला करे हमसे। क्या हुआ? ये ज्यादा जोर से बोल दे जिनका छूक हमारे मुँह पड़ गया। ये कहो नसीब वाले हो कि हमारा थोक तुम्हारे मुंह पे पड़ रहा है। समझे? चलो इसको आज जहर देंगे। जहर मुझे से आता है अनार का जूस। जहर ये जहर है। किशमिश बादाम। क्या तेरे दरबार कहूँ शासन? एक बेगुनाह के हाथों में हथकड़ी लगाई गई है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हर कुलाल मैं चल रहा हूँ और महाराणा के आदेश या उनके आदेश का पालन करना। और सही बात। क्या कहा? सही बात। सही बात कहो। समझे? जय रणवीर प्रताप सिंह। जेल में चक्की पीसो बैठ गए। कहाँ जा रहे हैं?
समझ में नहीं आ रहा महाराज कि सेनापत ऐसी हरकत कर कैसे गया। हमको तो विश्वास नहीं महाराज। लेकिन नहीं विश्वास नहीं है इसलिए हम अयोध्या का इतिहास उठाए इसलिए कि गलत नहीं है वो मेरा वफादार है। हाँ। उसकी वजह पर ये रियासत खैरागढ़ सुरक्षा में है। क्यों नहीं इसमें जरूर कुछ दाल में काला है। हमको तो लगा महाराज फोन दे लिया कल ऐसा है महाराज कहिए विशाल कटुआ क्या हुआ विशाल कटुआ 20 रुपया दिन कैदी को छोड़ा लिया दिमाग से कैदी छूटेगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है महाराज मरवावा ना जाइए काम इसलिए अगर वो गुनेगार होगा तो उसे फांसी मिलेगी। मैंने फांसी ठीक है अगर देखिए अरे बहुत सावधानी है बरखा है हमारे पहले पूरी बात सुनो जमानत के बाद जमानत हुए हमारे मैं क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर किसी तरफ से सेनापत के बारे में अगर कोई बात करता है जी तो मेरे शयन कक्ष में आकर मुझे फौरन बताया जाए। बहुत अच्छा और जब तक कि ये रहस्य नहीं निकल आता तब तक फांसी की तारीख हम मुकर्रर नहीं करेंगे। महाराज की जय हो। छतई के पुरवा विशाल के बुआ 20 रुपया दिए के हैं कहते हैं भैया ये कैदी के कौनो हिसाब से बचाओ अका छुड़ाओ तो घबराओ ना सवेरे तक का तो हम कैदी छुड़ा नहीं देते हैं। यह तो लड़ाई हुआ है ऐसे हमारे घर से फोन आओ हमारे घर में लड़ाई बाजी बाए हमार मेहरुआ परेशानी है। अरे हमार मेहरुआ उठा के हमारे भौजी चढ़ बैठी घर से फोन आओ हमारे भैया अलगी बिल गए कैदी मेहरुआ कहते हर जगह ने तू नौकरी कर भी घरे को देख भी पूछे हम कहा भाई कहीं तेरे भैया बड़ा होशियार है घरे अलगोझा हो गए नीक नीक सामान अपना ले लेते हैं खराब का सामान हमका दे देते हैं जो सुखा बल रहा बना ले लीन जो अंडू बल मर गया हो रहा हमें संभाल पहले से परेशानी है ना का बाली पाई ना छुई पाई ना कुछ कही पाई तू ही नहीं ये अपने पहले संभालो। अरे मेरे भैया अलगी बिल का हो गए घरे पत पत मा अलगी बिल का हो गए घरे पत पत मा अंडू बल विशाल के बुआ कपासी गांव वाले 100 रुपया देती है और कहते हैं विशाल के बुआ के इतना भतीज ना तो भरे मात पैदा हुआ है तो कैदी के फांसी न हो दीजिए रुपया तो हज कर लाग जाए। ऐसे तो हमारे मेरू परेशानी है अंडू बैल भी करे तब बचिया से शादी कर रही तो शिवत में बचिया से शादी कर रही भाई कैदी को छुड़ाने के लिए 20 रुपए नाम भेजे हैं भैया को कंपनी की तरफ से नमस्कार शुक्रिया। अरे बहुत प्यारी कहीं है कटहिया से है देखो भाई गया दिन के अम्मू का कटाव हुआ है तो कहा ले जाओ हमका सोहर सुनाओ 10 रुपया ले जाओ सोहर गवाओ। अरे भैया मैं बही थी सीता
दिन के अंदर जो लड़का भब आए वही खुशी कर लियो, सोहर पूरा गवाओ, 10 रुपया और ले लियो। अरे कि विशाल के अम्मा तीन किनार भवा है भाई, 10 रुपए के नाम धन्यवाद। मैं क्या करूं, सबसे छोटी समिति लगाया है ना मालूम, तुझे कुछ गड़बड़ सब लग रही है कि इतनी उसका प्यार मेरी पेट में चल रहा है। बुआ उस तुहार पटवा ऐसा कुछ यहाँ सियान लागत है हमका, क्या कर रहे हो? नहीं कौन सा कहा छोड़ो हम, नहीं सब कुछ नहीं, नहीं हम जाने ज्यादा खाए लगे वैसा ही ना कल आएगा। उसने आने का वादा भी किया था फिर भी नहीं आया, शिव भगवान मैं क्या करूं। कहानी पर गौर फरमाइएगा, आप लोग देख रहे हैं जो सामने सीन ये सावरी है, सावरी इस समय गर्भावस्था में है। दर्शक बंधु ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको कहानी बताया है करामाती ढोल मोहब्बत के ढोल बिन ब्याही माँ उर्फ डाको गंगा सिंह, तो आप लोग देख रहे हैं ये सावरी बिन शादी ब्याह के माँ बंगला में है, और सावरी के पास जब उसका पिता पहुंचता है तो देखो क्या बात।